हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुष्मांडा एकेडमी में। और आज मैं आपसे बात करूंगा साक्षात्कार में सफलता के महत्वपूर्ण टिप्स पर, कि क्या टिप्स होने चाहिए कि हम इंटरव्यू में कामयाब हो जाएं। तो मैं बात करता हूं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स पर जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार एक स्वर्णिम अवसर होता है और साक्षात्कार के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोग डरे होते हैं जिनके कारण अभ्यर्थी साक्षात्कार को लेकर डरे रहते हैं। तो बात कर लेते हैं क्या बातें होती हैं और तो क्यों साक्षात्कार की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, आखिरकार हम इंटरव्यू क्यों लेते हैं। तो साक्षात्कार द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि आप दबाव में कैसा रुख अपनाते हैं। दबाव समझते हो ना, प्रेशर में आप कैसे काम करते हैं। इंसान पर बहुत सारे दबाव होते हैं जिंदगी में, परिवार के, समाज के, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उस दबाव में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, सबसे बड़ी बात तो यही है इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप नॉलेज का टेस्ट तो आप करा चुके हो, आपको आता है तभी आपका रिटन क्वालिफाई हुआ है, ठीक है ना। तो आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है साक्षात्कार। आप दबाव में कैसा काम करते हो, प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, आप किसी समस्या का समाधान किस प्रकार करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उस समस्या में आप बह जाते हो या आप खड़े रहकर उसको फेस करते हो, सही से उसका समाधान निकालते हो, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात है आपका आपका त्वरित सामान्य ज्ञान कैसा है, जीके वाले क्वेश्चन भी होते हैं, आपकी सोच कैसी है, ठीक है, किस मेंटलिटी के इंसान हो आप, पॉजिटिव निगेटिव, महिलाओं के बारे में कैसा विचार, बच्चों के बारे में, रेसिज्म जातिवाद धर्म, ठीक है, आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है। बहुत सारी बातें इंटरव्यू में हमें पता चल जाती हैं कि ये इंसान की सोच का है। और आप कितने अवेयर हो, जागरूक कितने हो, जो आपके आसपास घटता है उसके बारे में आप कितनी जानकारी रखते हो। तो ये वजह है इंटरव्यू कराने की। और अगर बहुत पढ़ाई करने के बावजूद, हाँ अब मैं कुछ टिप्स की बात करने जा रहा था। पहली बात हो गई हमारी कि हमें इंटरव्यू की जरूरत क्यों पड़ती है, और टिप्स की बात करते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, पढ़ने के बाद आपको और अपने ज्ञान को प्रस्तुत करना नहीं आता, प्रेजेंटेशन नहीं आती, आप प्रेजेंट नहीं कर सकते अपने आप को, तो साक्षात्कार की कठिन दौड़ में आप पीछे रह जाते हो, ठीक है। पहली बात यही है, जो भी आपको आता है आप उसे प्रस्तुत कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी बात को प्रेजेंट करना आता है, जो भी आपके पास ज्ञान है उसको समझाना आपको आता है। तो साक्षात्कार के लिए जाते समय दूसरी टिप्स है आपकी, तो अपने मन में हीन भावना से मुक्त रहें और पॉजिटिव सोच लेकर जाएं कि आपका इंटरव्यू सबसे अच्छा होगा और आपको बहुत आता है, ठीक है, और आप अच्छे से बात करोगे। बिना अनुमति के साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करना शिष्टाचार के विरुद्ध है। कई बार हम अपने मॉक इंटरव्यूज में देखते हैं जो कैंडिडेट होते हैं वो बस गेट खोल के सीधे आ जाते हैं, परमिशन नहीं लेते। तो अच्छा रहता है कि अगर आप परमिशन लो प्रवेश करने के लिए। और साक्षात्कार कक्ष के भीतर अभ्यर्थी को नियत स्थान कुर्सी पर तब तक नहीं बैठना चाहिए जब तक किसे बैठने के लिए ना कहा जाए। तो ऐसा नहीं आप पहुंचे और कुर्सी देखी और आप बैठ गए, तो थोड़ा सा वेट करो कि वो आपसे कहें बैठने के लिए। जनरली वो लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, उसके बाद धन्यवाद अवश्य कहिए। बोलते समय स्वाभाविक बने रहना चाहिए, किसी प्रकार की कृत्रिमता, थोड़ा आर्टिफिशियल ना लगे, जो आपकी बातचीत है ना वो थोड़ा सा नकली सी ना लगे, इस बात का बड़ा ध्यान रखिए। नेचुरल रहिए, जैसे भी आप हो वैसे आप बात कीजिए, वैसा ही दिखाइए। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को उदासीन हताश नहीं दिखना, चेहरे पर एकदम चमक रहो, उल्लास नजर आना चाहिए, ठीक है। तो उल्लास नजर आना चाहिए बात करते हुए, कि सामने वाले इंसान को आपसे बात करके खुशी महसूस हो, ठीक है। तो हताश निराश उदासीन और दीनहीन ना नजर आओ, ठीक है। और साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह ध्यान पूर्वक सुने, हाँ ये बात बहुत जरूरी है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है ध्यान से सुने और समझने के बाद ही उत्तर आप दें, ठीक है। और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अच्छा रहे कि आप थोड़ा सा ब्रीफ में दें किंतु सटीक तरीके से दें, ठीक है ना। अगर आप साक्षात्कार में कुछ गलत बोल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो यदि बोर्ड का सदस्य आपका ध्यान आपकी उस गलती की ओर दिलाए
तो गलती को तुरंत स्वीकार करके उसके लिए खेद प्रकट करके अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है हमसे गलती से कुछ बात गलत बोल देते हैं, सभी के साथ हो जाता है, और अगर आपको वो बात बताई जा रही है तो उसको आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, साक्षात्कार के समय यदि कभी कठिन जटिल विपरीत परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाए तो अभ्यर्थी अपना धैर्य न खोए, सविवेक आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। सबसे बड़ी बात है धैर्य न खोए। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में हालात हमारे खिलाफ से हो जाते हैं, कई बार हमसे कई सवाल पूछे जाते हैं, हम जनरली देखते हैं अपने मॉक इंटरव्यूज में कि कैंडिडेट जवाब नहीं दे पा रहे, एक के बाद एक कि दोनों तीनों चारों मेंबर्स के सवालों के जवाब ना दे पाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखिए अपने व्यक्तिगत विवरण में। हाँ, अब जो आ गया है, जो भी आपने फॉर्म जब आपने भरा था उस फॉर्म में जो भी आपने डाटा दिया है, जो भी आपने अपना बायोडाटा बताया है, तो अपने व्यक्तिगत विवरण में उल्लेखित प्रत्येक बिंदु से संबंधित पूछे जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने लिखा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, आपकी पारिवारिक सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि का ज्ञान भी आपको पूरी तरीके से होना चाहिए, यहाँ से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, फैमिली से जुड़े हुए सवाल, समाज से जुड़े हुए सवाल, अपने स्थायी एवं वर्तमान निवास स्थल के भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व की अद्यतन जानकारी होनी चाहिए। मान लो अगर मैं बात करूं पानीपत की, तो कोई कैंडिडेट अगर पानीपत से है तो उसकी हिस्ट्री भी है, उसका भूगोल भी है, उसका कल्चर भी है, तो सब पता होना चाहिए आपको। अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों का बहुपक्षीय ज्ञान होना चाहिए। उस संस्था जिसमें प्रवेश या नियुक्ति के संदर्भ में आयोजित इंटरव्यू में अभ्यर्थी शामिल हो रहा है और उस पद पर जिस पर नियुक्ति के अभ्यर्थी साक्षात्कार दे रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, संस्था मतलब जैसे आप SPSC के लिए जा रहे हो, पद क्या है आपका, SCS है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, अच्छे से उसकी आप जो है तैयारी करके जाइए। तो बाकी आप मॉक इंटरव्यूज हमारे ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको और भी बहुत ज्यादा बातें पता चलेंगी। अभी तो आपके पास वक्त है, एटलीस्ट आप एक एक मॉक तो आप दे ही सकते हो। अगर आपने एक भी मॉक दिया तो उससे भी आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो आपको वहां पर बोर्ड में या SPSC बोर्ड का क्या जो बोर्ड बने होंगे इंटरव्यू बोर्ड उसमें जाकर पता चलेगी, लेकिन तब तक सारा खेल हाथ से निकल जाएगा। तो एक मॉक देकर जरूर जाओ, बहुत सारी गलतियां आपको पता चलेंगी। उसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो और उसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी आप डिटेल देख सकते हो। धन्यवाद। हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। कुशमांडा IAS SCS Academy for Success।